वेलकम फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आपको वेलकम कहता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है वो मैं फैनटेल या दूसरी अच्छी नस्ल के कबूतरों की ब्रीड ज़्यादा से ज़्यादा ले पाता हूँ। और इस वीडियो में अपने एक सब्सक्राइबर पिछले 2-3 वीडियो में मुझसे एक पेयर मांग रहा था, तो उसको भी एक पेयर आज भेज रहा हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। ओके, कौन सा पेयर जो है वो मैं अपने सब्सक्राइबर को हैदराबाद सेंड कर रहा हूँ, कार्गो करवा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये मेरी फ्रोस्टर फीमेल है, हाई फ्लायर है। इसके नीचे मैंने फैनटेल के एग्स रखे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, ये रेसर और ये जो आम नस्ल होती है जिसे हम चोगे भी बोलते हैं, जो खेतों में जाके दाना खाते हैं, ये उसका क्रॉस है। उसके नीचे भी मैंने फैनटेल्स के एग रखे हुए हैं। फ्रेंड्स, ये भी आप देख सकते हैं, ये इस तरह की जो मेल फीमेल होते हैं बहुत अच्छे बच्चे पालते हैं। इसके नीचे भी मैंने दूसरे किसी पेड़ के जो है वो अंडे रखे हैं, इसके अपने अंडे जो है वो मैंने तोड़ दिए हैं। इसी तरह ये फीमेल है, बिल्कुल रेडी टू ब्रीड है। इसके लिए भी दूसरे कबूतरों के 2 एग बिल्कुल रेडी पड़े हुए हैं मेरे पास। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे फ्रोस्टर पेड़ जो है वो मैंने रखे हुए हैं। तो दोस्तों, ये वो पेड़ है, पट्ठे हैं, अभी यंग हैं, 10 कलियाँ साफ़ की हैं इन्होंने। और ये मैं भेज रहा हूँ अपने रेगुलर मेरे व्यूअर हैं, उसको भेज रहा हूँ मैं। काफ़ी वीडियोस में वो मुझे जो है वो कमेंट कर चुके थे, और बहुत पुराने जो है वो 6-7 माह से वो रेगुलर मेरा चैनल देख रहे थे। और एक दो मरतबा उन्होंने जो है वो मुझसे एक पेयर मांगा, वो मुझसे मांग रेड टेल या फिर ब्लैक टेल रहा था, लेकिन मेरे पास वो फ़िलहाल अभी नहीं था उनको देने के लिए। बड़ा पेयर है वो, अंडे और बच्चों पे थे, तो इसलिए मैंने उनको ये पेयर दिखाया और उन्होंने कहा कि आप यही भेज दें। फ्रेंड्स, जब मैं भी नए कबूतर रखे थे, मैंने भी चैनल नहीं था, मैं भी यूट्यूब पे किसी दोस्त नहीं थे मेरे, खैर वो यूट्यूब पर मांगे थे और उन्होंने मुझे मांगे थे और उसने भी मैं दिए थे। याद में मैं भी जो है वो एक याद में जो है वो